Google Ads कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप परचेज ट्रैकिंग कर सकते हैं विद डायनेमिक वैल्यू। अब दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बहुत छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम अपनी ट्रैकिंग सेट करते हैं तो अगर हमारी वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कई सौ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 200 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग है, कोई 1000 रुपये, 500 रुपये, कोई ज़्यादा कोई कम, तो जनरली गलती क्या होती है जो बिगनर्स और ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं कि जब उनकी ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग तो हो रही है बट वहाँ पर यह नहीं पता लग पा रहा कि कितने रुपए वाला प्रोडक्ट परचेज करा गया है, मतलब ट्रैकिंग सही नहीं हो रही। वहाँ पर सेम ही वैल्यू दिखा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट शो हो रहा है 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, मगर आपको तो डायनेमिक वैल्यू चाहिए। भाई 1000 रुपये वाला कोई परचेज करे तो हमारी ट्रैकिंग में दिखाए 1000 रुपये की वैल्यू का परचेज हुआ है, कोई 500 रुपये का करे तो 500 रुपये दिखाए, 100 रुपये का करे 100 रुपये का दिखाए। तो लोग क्या गलती करते हैं कि किस वजह से डायनेमिक वैल्यू शो नहीं होती ट्रैकिंग के दौरान, तो इसी के ऊपर ये डिटेल्ड और यूनिक वीडियो हम लेकर आए हैं। ज़्यादातर आपको वीडियो नहीं मिलेगा बट अगर आपको बनना है बिगनर से प्रो और एक्सपर्ट तो ये वीडियो और इस तरीके की वीडियोस हमारे कोर्स के अंदर भरमार है। अच्छे से पूरा कोर्स सीखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों गूगल एड्स के साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज सीख सकते हैं, जो भी आपको सीखना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम 50 से ज़्यादा और कोर्सेज ला रहे हैं, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट परचेज ट्रैकिंग विद डायनामिक वैल्यू। गाइस अभी तक हमने जितने भी ट्रैकिंग किए हैं हमने नॉर्मल की, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम डायनेमिक वैल्यूज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। मान लो एक वेबसाइट है आपकी, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब उसमें आप परचेज को ट्रैक करना चाहते हो कि टोटल आपके कितने परचेजेस हुए, बट आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अलग अलग प्राइजेस के हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका सारा प्रोडक्ट एक ही सेम प्राइस का है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपका हो सकता है वो 1000 का हो, कोई हो सकता है 500 का हो, कोई हो सकता है 2000 का हो, कोई 5000 का हो। तो हमें यहाँ पर परचेज तो चलो मानो 5 purchases आ गए, बट उसमें सभी के जो प्राइजेस थे प्रोडक्ट के वो सबके डिफरेंट है, तो हम उन्हें उन वैल्यूज को ट्रैक करना चाहते हैं कि कितना हमारा रेवेन्यू आया, राइट। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, हम इस वीडियो में उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम डायनेमिक वैल्यूज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है डेटा लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है डेटा लेयर एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पर कुछ टैग्स हमें फायर करने होंगे, कुछ आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे टैग्स मैनेजर के अंदर, तो हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टैग क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स में, गूगल एड्स के टूल्स एंड सेटिंग्स में, और हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन में आएंगे, ओके, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक परचेज कन्वर्जन क्रिएट करेंगे, ओके। वेल ऑलरेडी यहाँ पर आपको अगर कन्वर्जन एक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी कन्वर्जन बने हुए हैं, और उसमें आप कन्वर्जन वैल्यू भी देख सकते हो कितने लैक्स की यहाँ पर अर्निंग हुई है नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से कन्वर्जन एक्शन है, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक और नया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना है, ओके, फ्रॉम वेबसाइट, और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट URL सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और ये हमने वेबसाइट URL सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, ओके। इसको स्कैन करना है आपको सिंपली, और कन्वर्जन एक्चुअली जो हमारा कन्वर्जन एक्शन रहेगा उसको मैन्युअली हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। सो रिकमेंडेड है, ओके। नाउ यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हम लोग एक मैनुअल एक्शन सेट करेंगे, ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, ठीक है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, तो हम यहाँ पर मैनुअली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हम मैनुअली यहाँ पर एक परचेज का जो कन्वर्जन क्रिएट करेंगे, राइट। सो नाउ आपका गोल क्या है, बेसिकली हम लोग परचेज को ट्रैक करना चाहते हैं, राइट। अब तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं परचेज डायनामिक वैल्यू टेस्टिंग, ओके। यहाँ पर टेस्टिंग हम डेमो भी डाल देते हैं बिकॉज हमारे ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैसे नीड तो है नहीं बट हम फिर भी कर रहे हैं, राइट। तो नाउ यहाँ पर हमें वैल्यू सेट करना है गाइस, ओके। अब गाइस यहाँ से पूछ रहा है कि आप जो भी आपके परचेजेस आते हैं उसमें आप सेम वैल्यूज को ट्रैक करना चाहते हो,
या फिर उसमें सब डिफरेंट वैल्यू को ट्रैक करना चाहते हो, या फिर ट्रैक ही नहीं करना चाहते किसी वैल्यू को, वैल्यू इन द सेंस यानी कि उसका प्राइस। मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज, और एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 500 रुपीज। तो अगर आपने यहाँ पर यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन अगर सेट किया और यहाँ पर प्राइस डाला है 1000, तो अगर आपके दो कन्वर्जन आते हैं तो आपको टोटल ऑल कन्वर्जन वैल्यू में 2000 का दिखेगा। वहीं अगर आप यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, तो यहाँ पर आपको हर वैल्यू के लिए मतलब आई मीन हर कन्वर्जन के लिए एक अलग जो वैल्यू ट्रैक करना है। दैट मीन्स कि अगर कोई 1000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज होता है, ठीक है, और कोई 500 का प्रोडक्ट परचेज होता है, तो आपके ऑल कन्वर्जन वैल्यू के अंदर जो अमाउंट दिखे वो 1500 दिखे। ये ना हो कि सब सेम दिखे, सेम तो उसमें दिखेगा ऊपर वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, मतलब हर कन्वर्जन की डिफरेंट वैल्यू हो, और वो वैल्यू आपके जो अमाउंट है ना प्रोडक्ट का अमाउंट जो भी जितने का भी परचेज किया है किसी यूजर ने वो चीज ट्रैक होगी। अगर जैसे एक प्रोडक्ट है आपका 1000 रुपीज का है, एक 700 रुपीज का, एक 300 रुपीज है, तो ऑल कन्वर्जन आपको जो है 3 दिखेंगे, और ऑल कन्वर्जन वैल्यू जो आपको दिखेगी वो 2000 दिखेगी, राइट। तो हमें यहाँ पर ये चीजें सेट करनी है। ओके, ऑलरेडी हम इन सब टॉपिक पे ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, राइट। सो अगर आप और कंफ्यूजन है और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो ऑलरेडी आप हमारे बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं उसमें भी जाके देख सकते हो कि बाकी के ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या होता है, राइट। तो हमें काउंट अभी एवरी रखना है, राइट, हमें हर एक कन्वर्जन को एक काउंट मानना है, ठीक है। क्लिक थ्रू विंडो हमारा 30 डेज, 90 डेज, ये आपके ऊपर है। एंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन विंडो आपको आपके ऊपर 3 डेज रखना है या फिर 1 डे रख लेते हैं इसको, राइट। तो नाउ यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको सेट डन, ठीक है। डन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, नाउ यहाँ से आपको जो मिलता है कन्वर्जन आईडी लेवल मिलता है, राइट। अब गाइस यहाँ पर ना एक चीज है, आपको क्या है, आपको कन्वर्जन आईडी मिल गया, ठीक है, कन्वर्जन लेवल भी मिल गया। ओके, अभी आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है थ्रू टैग मैनेजर। ओके, अब यहाँ पर जो गेम आता है, अब आपको जाना है टैग मैनेजर पे, आपको कन्वर्जन आईडी मिल गया। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, कन्वर्जन आईडी हमने यहाँ पर कॉपी कर ली। ओके, सो यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के हम अंदर आ चुके हैं, टैग्स में फायर करेंगे हम लोग, एक टैग फायर करेंगे न्यू, ठीक है, हम इसका नेम दे देते हैं डायनामिक परचेज वैल्यू टेस्टिंग। ओके, यहाँ पर हम ब्रैकेट में डाल देते हैं डेमो, देन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया डेमो। देन अब आपको सिंपली टैग कॉन्फ़िगरेशन में क्या सेलेक्ट करना है, ऑफ कोर्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, राइट। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, कन्वर्जन आईडी। ओके, नेक्स्ट हमने चीज डाल दी कन्वर्जन लेवल। ओके, अब यहाँ पर कन्वर्जन लेवल तो आपको यहाँ से मिल जाता है। ओके, ये हमने कॉपी कर लिया और ये हमने कर लिया पेस्ट। अब गाइस कुछ 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सेट करनी है, कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी एंड करेंसी कोड। अब ये कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट के अंदर जाना होगा, ठीक है, और एक प्लगइन की हेल्प से आपको कुछ जो डेटा लेयर्स होते हैं उनको क्रिएट करना होगा, राइट। तो वो प्लगइन क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसके बैकएंड, ठीक है। सो सिंपली गाइज यहाँ पर हम लोग अपनी जो वेबसाइट है उसके बैकएंड में आ चुके हैं वर्डप्रेस पे जो है, राइट। और यहाँ पर सिंपली आपको प्लगइन्स में आना है और एक प्लगइन ऐड करना है गूगल टैग मैनेजर, राइट, फॉर WP, यानी कि GTM फॉर WP। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पर प्लगइन्स में आके सर्च कर लेना, वो आपको प्लगइन मिल जाएगा एंड उसको आप एक्टिवेट कर लेना इंस्टॉल करके। ओके, सो इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, उस प्लगइन को आपकी वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है प्लगइन GTM फॉर WP, उसको आपको अपने टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना होगा। ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, जो हमें वो प्लगइन मिलता है आफ्टर इंस्टॉलेशन वो आपको सेटिंग्स के अंदर गूगल टैग मैनेजर के अंदर शो हो जाता है। ओके, सो नाउ अभी
यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारा प्लगइन है उसको आपको अपने गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। तो टैग मैनेजर की आईडी आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करनी है, ठीक है। सो सिंपली हम लोग वहाँ पे जो हमारी आईडी है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा आईडी, ओके। इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हमने ये जो आईडी है ना हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। GTMTZ जो हमारी आईडी है इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर सिंपली आपको इसको आईडी को जो है पेस्ट कर देना है, ओके। यहाँ पर आपने जैसे ही जो हमारा कोड है गूगल टैग मैनेजर का कोड, वो आपने यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेशंस के अंदर आना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ट्रैक इनहेंस ई कॉमर्स, इसको आपको चेक करना है। देन यहाँ पर एक स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक और ऑप्शन चेक करना है, बेसिकली वो है आपका गूगल एड्स रीमार्केटिंग। इनेबल दिस एड गूगल एड्स डायनेमिक रीमार्केटिंग वेरिएबल टू द डेटा लेयर्स। बेसिकली क्या करता है ये, आपके कुछ डायनेमिक रीमार्केटिंग वेरिएबल्स को डेटा लेयर्स के अंदर ऐड करता है, और उसी बेसिस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टैग मैनेजर में हमें जो फायर करना था बेसिकली कन्वर्जन वैल्यू ट्रांजेक्शन आईडी करेंसी कोड, वो हमें वहीं से मिलेंगे, डेटा लेयर से ही मिलेंगे, राइट। सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम इन्हें इनेबल करते हैं, ओके। नाउ इनेबल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव चेंजेस, ओके। नाउ सेव चेंजेस करने के बाद ये सेव हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस कोड को फायर करना है उस पर्टिकुलर पेज पे जो हम अभी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो हमने बनाई है, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर पेज पे हम लोग यहाँ पे फायर करेंगे उसको, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन वैल्यू है, यानी कि कन्वर्जन वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी होगी और ट्रांजेक्शन आईडी डालनी होगी, करेंसी कोड डालना होगा, तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें ये कहाँ से मिलेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है हमारी जो वेबसाइट है वहां से ही हमें इसे यूज करना होगा। और अगर आपको कुछ डेटा लेयर्स चेक करने हैं तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, डेटा लेयर चेकर, ओके। और इसको आप सिंपली अपने एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हो, ये आपके डेटा लेयर दिखा देगा, तो वहां से भी आप उस वेरिएबल्स को कॉपी कर सकते हो जो कहाँ पर आपको यूज करनी होती है, यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू के अंदर, ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर, करेंसी कोड के अंदर। और इस पर्टिकुलर जो हमारा कन्वर्जन डायनेमिक परचेज वैल्यू का कोड है, ये हम थैंक यू पेज पे फायर करेंगे भाई, बिकॉज वहां पर ही तो हमें देखना है टोटल हमारे कितने परचेजेस आ रहे हैं, क्या वैल्यू है उनकी, है ना। सो नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंशन है डेटा लेयर चेकर, इसको इनेबल करते हैं, और जो हमारी वेबसाइट है उसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। सो सिंपली हमने यहाँ पर एडसन जो हमारा वेबसाइट है इसको हमने ओपन किया, ठीक है। और इसे कोई भी आप एक डेमो प्रोडक्ट परचेज करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मार्ट टीवी हम लोग परचेज करते हैं। नाउ अभी हमने किया इसको ऐड टू कार्ट, ठीक है। और यहाँ से आप डेटा लेयर वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। ऐड टू कार्ट किया और हम इसे परचेज भी करेंगे, ओके। तो सिंपली हम लोग कार्ट पेज पे यहाँ पर आ चुके हैं, एंड सिंपली हम लोग करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, ओके। हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और यहाँ पर एक डेमो परचेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डालते हैं टेस्टिंग, ओके फाइन। नाउ यहाँ पर आपके पास आपको सिंपली क्या करना है, प्लेस ऑर्डर करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है, डन। नाउ गाइज यहाँ पर आपको सिंपली चेक करना है कि जो हमने प्लगइन अप्लाई किया है वेबसाइट पे, ठीक है, वो हमारे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं, मीन्स कि हमारे जो डेटा लेयर्स के अंदर वो वेरिएबल्स आ रहे हैं कि नहीं, परचेज का, आईडी का, प्रोडक्ट आईडी का एंड ऑल। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद आपको प्रीव्यू मोड में, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना होगा, परचेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली अपनी जो वेबसाइट है उसका यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया हमने यूआरएल और इसको कर दिया हमने पेस्ट, ओके, डन। नाउ यहाँ पर आपका डीबग मोड ओपन होगा। अब डीबग मोड में आप अपने वेरिएबल्स वगैरह या फिर यहाँ से जो भी परचेज करोगे वो टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक कोई भी एक टीवी परचेज करते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं उसको,
ऐड टू कार्ट होने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ना जो हमारा कार्ट पेज है उसी पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर वन प्रोडक्ट है और जो भी कुछ इतने अमाउंट का है, इसको हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। ओके, अब प्रोसीड टू चेकआउट हमने किया, डन। नाउ आपको सिंपली यहाँ पर एक डेमो परचेज करना होगा, तो हम लोग डेमो भी कर लेते हैं, टेस्टिंग टेस्टिंग डन। और यहाँ पर टेस्टिंग एट द रेट gmail.com ईमेल वगैरह हम डाल देते हैं, नोट में टेस्टिंग लिख देते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हमने कर दिया प्लेस ऑर्डर, डन। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, बिलिंग स्टेटस रिक्वायर्ड, ये यहाँ पर हम दिल्ली डाल देते हैं, और ये हमने कर दिया प्लेस ऑर्डर। ओके, प्लेस ऑर्डर कर दिया, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फिनिश करना है, ठीक है। फिनिश कर दिया, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कितने टास्क फायर हुए हैं, क्या डेटा लेयर्स आए हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, तो देखते हैं टास्क कितने फायर हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर टैग फायर हुआ है GA4 कन्वर्जन लिंकर पेज व्यू, परचेज का एक टैग फायर हुआ है GA4 चेकआउट टैग फायर हुआ है ना, तो ये सारे हमारे टैग्स फायर हुए हैं, राइट। अब हमें चेक करना है बेसिकली वेरिएबल्स को, डेटा लेयर्स को चेक करना है। तो डेटा लेयर्स में देखते हैं, हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए थी ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो हमारे कोड्स फायर हो चुके हैं। ये किस वजह से हुआ है, बिकॉज हमने जो है एक प्लगइन का यहाँ पर हेल्प लिया था, जिसका था नाम GTM फॉर वर्डप्रेस, राइट। तो उसकी वजह से ये जो हमारे कुछ डेटा लेयर्स के अंदर वेरिएबल ऐड हुए हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके देख सकते हो कि ये हमारा वो ई कॉमर्स से करेंसी कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी, परचेज यहाँ पर मिल गया। तो यही तीन हमारे जो होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी, ठीक है, आई टू ई कॉमर्स। तो मतलब जो हमने प्लगइन यूज किया है यहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से जो हम कन्वर्जन बना रहे थे, डायनेमिक कन्वर्जन, राइट, तो डायनेमिक कन्वर्जन बनाने के लिए जो हम यहाँ पर डायनेमिक परचेज वैल्यू का कन्वर्जन बना रहे थे, उसमें हमें कन्वर्जन वैल्यू डालनी थी, ट्रांजेक्शन आईडी डालनी थी, और करेंसी कोड डालना था। तो वो जो चीजें मिलेंगी आपको वो कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं से चेक कर सकते हो, मैंने आपको एक और प्लगइन बताया है, ठीक है, वो क्या था हमारा डेटा लेयर चेकर, राइट। सो डेटा लेयर चेकर को भी अगर आप इनेबल करोगे तो इसमें भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सी, यहाँ पर करेंसी कोड मिल गया, परचेज एट्रीब्यूट मिल गया, आपको आईडी मिल गया, राइट, परचेज आईडी मिल गया। तो यहाँ से भी उनको आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके आपने सिंपली यहाँ पर जो है अपने टैग जो आप बना रहे हो, डायनेमिक परचेज वैल्यू टैग बना रहे हो, वहां पर आप पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम हमारे आईडीज को यूज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो एक और चीज थी जो कि जैसे मान लो अभी जो हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसका क्या रेवेन्यू आया है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी उसका प्राइस था ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा जो प्राइस था उसका 768 एंड ऑल, और कुछ हमारे टैक्सेस जो इंक्लूडेड होंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे रेवेन्यू जो आ रहा है 8455 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारी हमें जो चीज़ों की नीड है वो क्या है, ई कॉमर्स के अंदर करेंसी कोड, परचेज, यहाँ पे रेवेन्यू आ गया, आईडी आ गया, प्रोडक्ट आईडी डी नाम, ठीक है। तो इन चीज़ों की नीड है और इनको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। तो बहुत ही सिंपल तो नहीं है, बट आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो कन्वर्जन वैल्यू के अंदर हमें क्या डालना है, ठीक है। सो सिंपली हम लोग आते हैं यहाँ पर टैग असिस्टेंट, और सेम चीज गाइस यहाँ पर आप डेटा लेयर्स के अंदर भी चेक कर सकते हो, जो हमें अभी जो हमने यहाँ पर एक फाइनल चेकआउट किया था, तो इसमें आप ये डेटा लेयर जो एक्सटेंशन है हमारा, इसके थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी उन जो हमारा आईडी होता है, यहाँ से उनको भी कॉपी करके डायरेक्ट आप वहां पर डाल सकते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर हमें जो क्रिएट करना है बेसिकली, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जो हमने यहाँ पर टैग्स देखे हैं बेसिकली, इनके लिए जो करेंसी कोड है, इनके लिए हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। तो वेरिएबल्स आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सिंपली हम जो हमारा गूगल टैग मैनेजर अकाउंट ओपन करेंगे और वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो अभी आपने मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं को जो हमारा लेयर है डेटा लेयर चेकर, इसके थ्रू आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। नाउ यहाँ से आप करेंसी कोड कॉपी कर लो, ई कॉमर्स डॉट करेंसी, ये आईडी कर लो आप कॉपी इसको, ठीक है, और इनको आप वेरिएबल में यूज करेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है। वेल ऑलरेडी हमने वेरिएबल्स बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल्स में आना है और यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा और वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन पे आपको आना है और यहाँ पर डेटा लेयर वेरिएबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर वो लेयर डाल देनी है आपको, ई कॉमर्स डॉट करेंसी कोड। और यहाँ पर आप करेंसी कोड जो मतलब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ना करेंसी कोड, इसको नेम भी दे देना, ठीक है। यहाँ पर करेंसी कोड वेरिएबल, तो ये हम लोग डेमो के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डेमो भी यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि हमें क्लियर हो, क्योंकि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी बने हुए, ठीक है। सो सिंपली आपने इसको कर दिया सेव, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पर एक और नया वेरिएबल क्रिएट करना है, वो किसके लिए करना है, आईडी वगैरह के लिए, ठीक है। सो सिंपली हम वापस से यहाँ पर एक वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डेटा वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस बार जो हम लोग वेरिएबल डालेंगे वो डालेंगे दूसरा वाला, ठीक है। तो वापस से हम लोग अपने डेटा लेयर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, डेटा लेयर चेकर्स पे। और यहाँ पर हमें आईडी का डालना है और जो हमारा वैल्यू है यानी कि मतलब परचेज कितना आया है उसका डालना है, ठीक है। तो सिंपली ये सेम चीजें जो गाइज हैं, आप चाहो तो जो है अपने डेटा लेयर जो हमारा ऑप्शन मिलता है ना गूगल टैग मैनेजर के अंदर, यानी कि जो हमने यहाँ पे अभी टेस्ट किया था, यहाँ पर भी ये सेम चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चाहो तो कर सकते हो, ओके। तो नाउ सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डेटा लेयर चेकर का ही नीड हेल्प लेंगे। सो सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ और डेटा लेयर चेकर को आप इनेबल करो, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो परचेज वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा वो परचेज वाला और इसको आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये हमारा परचेज वाला है ई कॉमर्स डॉट परचेज, और ये हमने कर लिया कॉपी, ओके। तो इसको हम लोग सिंपली कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। और यहाँ पर आप आ जाओ वेरिएबल में, यहाँ पर हमने कर लिया वेरिएबल पेस्ट, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो डाल देते हैं, ये हम लोग डाल रहे हैं परचेज वेरिएबल, परचेज वेरिएबल डेमो, ओके। और इसको कर दो आप सेव, ठीक है। अब ये परचेज का हो गया, अब हमें एक और नया बनाना है जो कि होगा हमारा आईडी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी वेरिएबल, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस बार जो डेटा लेयर सेट करेंगे वेरिएबल में वो हम डालेंगे आईडी का, ओके। तो सिंपली हम लोग डेटा लेयर चेकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने कॉपी किया। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी, देखो अभी तक हमने परचेज का डाला था, करेंसी कोड का डाला था, अब आपको डालना है आईडी का, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मिल गया प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट आईडी है, इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पर टोटल वैल्यू का भी मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट पेज टाइप। अब गाइस ये जो चीजें होती है ना, ये रीमार्केटिंग में यूज होती है, ठीक है। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में बता रखी है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक रीमार्केटिंग एड्स वगैरह, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट आईडी टाइप वैल्यू, तो इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, राइट। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग यहाँ पर जो हमारी है ई कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, उस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर ऐड करना है, ओके। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल हम फायर कर रहे हैं तो डाल देते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड ऑल, और इसको हमने कर दिया सेव, ठीक है, ओके। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल में हमने डेमो लिखना मिस कर दिया था, तो इसको हम डेमो अभी एंटर कर देते हैं, ठीक है। सो एडिट टू दिस वर्क प्लेस, प्रॉपर है सब कुछ, ओके डन, इसको कर देते हैं हम डेमो, डन। ये चीजें हो गई। अब आपको सिंपली क्या करना है गाइस, अब आपको जो है एक टैग क्रिएट करना है, बेसिकली एक ट्रिगर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टॉप पे और एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ट्रिगर हमें क्रिएट करना है और यहाँ पर ट्रिगर्स पे आप आ जाओ और एक नया ट्रिगर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नेम दे देते हैं परचेज, परचेज ट्रिगर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नेम दे देते हैं परचेज ट्रिगर, परचेज ट्रिगर डेमो लिख देते हैं, ओके डेमो। तो ना यहाँ पर ट्रिगर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, वेरिएबल डालना है जो हमें आईडी मिलती है, ठीक है। और वो आईडी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आप जाओ वहां पर हम जहाँ पर हमने अपना डीबग मोस्ट टेस्ट किया था, ओके। सो अभी सेलेक्ट करना है आपको ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में कस्टम इवेंट हम लोग सेट करेंगे, और कस्टम इवेंट में जो हम लोग नेम डालेंगे वो इवेंट होगा हमारा
जो अभी हमने टेस्ट किया था राइट, इसमें वेरिएबल्स पे आप आ जाओ, और ये है वो हमारा कस्टम इवेंट, ठीक है, जीडीएम फॉर डब्ल्यूपी, ये जो हमने प्लगइन डाला है ना वही, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लो यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर जो हम लोग अपना कर रहे हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर, इसको आप लोग सिंपली क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव, ओके, नाउ ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया। अब सिंपली हम जो टैग बना रहे थे, यानी जो हमें गूगल एड्स के साइड से टैग मिला था, उसमें हमारे लिए अभी इजी हो जाएगा, ठीक है, हमने वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लिया, हमने ट्रिगर सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पर इजीली एक डायनेमिक ट्रैकिंग कर सकते हैं वैल्यूज की, राइट, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको आगे कंटिन्यू कर, तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग टैग फायर कर रहे थे, अब आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है, और वो वेरिएबल ना आपको पहले से बना होना चाहिए, तो हमने हमने क्या किया है यहाँ पे, वेरिएबल हमने पहले से बना रखे हैं, ठीक है, तो उन्हीं वेरिएबल्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे प्रोडक्ट परचेज वेरिएबल डेमो, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर हमारा जो हमने तीन बनाए थे, प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल हो गया, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो रेवेन्यू हो गया और वैल्यू हो गया, उसका हमने जो भी बनाया था यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है, ओके, तो सिंपली हमने जो खुद मैन यहाँ पर अभी जो आपके सामने किया है, वो हमने ये वाला किया परचेज वेरिएबल डेमो, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, ट्रांजेक्शन आईडी में हम लोग अपना आईडी डाल देते हैं जो हमने डेमो वाला बनाया था, राइट, वेल हमने ऑलरेडी हमने खुद से मैनुअली भी कर रखा है, कस्टम इवेंट्स वगैरह बना रखे हैं, बट फॉर नाउ अभी हमने प्लगइन की हेल्प से किया है, राइट, तो सिंपली हमने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल डेमो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है, करेंसी कोड अभी हम इग्नोर कर देते हैं, इसको सिंपली हमें क्या करना है, ट्रिगर करना है, राइट, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना ट्रिगर जो हमने बनाया था वो सेलेक्ट करते हैं, तो गाइस जो हमने ट्रिगर बनाया था वो हमने ये वाला बनाया था परचेज ट्रिगर डेमो, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली हमें क्या करना है, सेव करना है, राइट, अब सेव करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो ट्रैकिंग है इसको आप यहाँ पर प्रिव्यू मोड में भी देख सकते हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पेज जो भी आपकी वेबसाइट पे है या फिर वो पर्टिकुलर उस पेज का आप यहाँ पर यूआरएल डाल दो, जो थैंक यू पेज है उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रीव्यू मोड में टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक जो हमारा टीवी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आप परचेज करके देख लो, फिर आपकी जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपर यहाँ पर शो हो जाएगी, राइट, तो यहाँ से आप कार्ट में चले जाओ, जो भी मतलब आप फाइनल लास्ट तक जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा नॉट, फिर आपकी चीजें प्रॉपरली ट्रैक हो पाएंगी, तो यहाँ पर हमने टेस्टिंग किया, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग डाल देते हैं, टेस्टिंग 01, यहाँ पर हमने कर दिया इसको परचेज प्लेस ऑर्डर, ओके, सो प्लेस ऑर्डर किया हमने, ये प्रीव्यू मोड में हम डीबग मोड में कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर कुछ मिसिंग है हमारा दिल्ली, ओके, तो दिल्ली हमने यहाँ पर एंटर किया, ओके, और ये कर दिया हमने प्लेस ऑर्डर, अभी हम लोग थैंक यू पेज पे आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका फिनिश भी कर दो, यहाँ पे इसके आगे तो कोई लास्ट पेज हमारा है ही नहीं, ठीक है, अब आप फिनिश कर दो और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कनेक्टेड, राइट, सो अभी जो हमने टैग बनाया है पूरा, ठीक है, वो हमारा कनेक्ट हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर फायर हुआ है कि नहीं, डायनेमिक जो परचेज वैल्यू टैग हमने बनाई है अभी वो प्रॉपर फायर हुआ है कि नहीं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो कनेक्टेड है मतलब परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, और यहाँ पर जो हमने टैग नेम दिया था, यानी कि डायनेमिक और चीज वैल्यू टेस्टिंग डेमो, ये देखो यहाँ पे आपको फायर मिल जाएगा, टैग फायर, अब आपको क्या होगा गाइस, आपको जो है नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर आप डन कर दो गूगल एड्स के अंदर, ठीक है, डन कर दिया आपने, और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से जो आपने ये कन्वर्जन बनाई है टेस्टिंग के लिए, इसके अंदर आपको यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू भी दिखेंगे, मान लो एक कोई कन्वर्जन आता है, यानी कि दो कन्वर्जन आते हैं मान लो, चलो ठीक है, दो ऑर्डर आते हैं, और एक जो ऑर्डर है वो है आपका 5,000 रुपीज का, ठीक है, और एक जो ऑर्डर है 4,000 रुपीज का, तो आपको जो है यहाँ पर टोटल जो ऑल कन्वर्जन वैल्यू दिखेगी वो 9,000 की दिखेगी, तो बेसिकली यहाँ पर हम डायनेमिक वैल्यूज को ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस टाइप से आप यहाँ पर डायनेमिक वैल्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोज में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी कंपनी से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको चेक कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें, बिकॉज वहां से भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।